भौरा गई हो क्या मम्मी? कपड़े क्यों पैक कर रही हो हमारे? क्योंकि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। What? What? क्यों जाना है घर छोड़के? ये सवाल तो हमसे नहीं अपने आप से पूछ ध्वनि। अरे मम्मी डायलॉग मत मार अभी, क्या है ये सब? पहले तू बता, तू सुबह से कहाँ थी? अरे हम बस वो क्या ध्वनि, सिर्फ तेरी घटिया हरकतों की वजह से हमारी इतने सालों की वफादारी और ईमानदारी की ये नौकरी चली गई। देखा ना क्या मिला इस ईमानदारी और वफादारी से, ये 10,000 की नौकरी और दिवाली पे तुच्छा सा बोनस। और मालिक का जब मन में आए तब नौकरी छीन ले। हमारी नौकरी छीनी नहीं है ध्वनि, हमने नौकरी गवाई है, वो भी तेरी वजह से। एक मिनट, ध्वनि गवाती नहीं, हासिल करती है। और कान खोल के सुन ले मम्मी, हम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले, हम यही रहेंगे। तूने इतने सालों से यहाँ के लोगों की सेवा की और हम अपनी पहचान बुलाकर उस स्वरा की परछाई बन, आवाज बन, ये लोग हमें ऐसे धक्के मार के निकाल नहीं सकते। हम कहीं नहीं जाएंगे मम्मी, इस घर पे हमारा भी हक है। ध्वनि, नौकरों का मालिक पर नहीं तनख्वाह पे हक होता है, और हमें हमारी पूरी तनख्वाह मिल चुकी है। अब हम किसी नई जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। बोला ना हमने, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी बात सुन ध्वनि। हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते, अभी सही टाइम नहीं। अरे टाइम भी तो सही नहीं चल रहा है ध्वनि। एक तरफ सूत्र जी ने तुम्हें यहाँ घर से निकाल दिया है, और दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन बन गई है जैसा जैसे लग रहा है कि वेदांत और स्वरा की हासोहागरात हो ही जाएगी। What? पर कैसे? ध्वनि, ध्वनि, दरवाजा खोल। तू क्या बड़बड़ा रही है, दरवाजा खोल। वो कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती, और आज तो हम आती हुई देख भी सकते। सिर्फ मुसीबत होती ना तो हम हल ढूंढ भी लेते, लेकिन यहाँ तो महाप्रलय आ गया है ध्वनि। देखो ध्वनि, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वेदांत को। अगर वो एक बार स्वरा के करीब आ गया ना तो फिर तुम्हारे पास तो कभी वापस नहीं जाने वाला। इसलिए हम कह रहे हैं उनके रिश्ते पर मोहर लग जाएगी ध्वनि, और हम ये बासी हार जाएंगे। ये कौन आ रहा है? नीति, अब तक तो मर गई होगी ना, देख ले। नहीं नहीं नीति, थोड़ी देर बाद देखते हैं। क्यों, अभी क्या प्रॉब्लम? कोई इमरजेंसी बेल, कोई फायर अलार्म, कुछ भी नहीं है। किसी को कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं? ओ गॉड, क्या करो? ओ गॉड, पार्वती तो ठंड से कांप रही है, कहीं कुछ हो ना जाए इसे। मैं क्या करूँ उन्हें बचाने के लिए? आइडिया, मिसिंग आनिया, ये ओढ़ लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मिसिंग आनिया, जिद मत कीजिए, अपनी हालत देखिए, उठ लीजिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए मिस्टर भाजपा। और मैंने कहा कि मैं आपको ये उड़ा के लूंगा। आप बिल्कुल, मिसिंग आनिया, आप ठीक? हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। मिसिंग आनिया, देखिए देखिए, आप हिम्मत रखिए, अभी थोड़ी देर में हेल्प आ जाएगी। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मिसिंग आनिया, ब्रीथ 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 ब्रीथ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। You are strong, you are strong. हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मिसिंग आनिया, मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Tell me, क्या हुआ? जिंदा है, अभी जिंदा है। थोड़ी देर पहले हेल्प के लिए दरवाजा पीट रही थी, थोड़ी देर रुकते हैं। ओह, फिर तो वेट करना ही पड़ेगा। कोई है? ये आवाज तो संजू की है।
नीति वो पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, उसने दरवाजा भी खोल लिया था। अगर मैं उसे अंदर बंद ना करता वो परी को बाहर निकाल लेता। What the hell? वो अंदर कैसे पहुंच गया? तुमने रोका नहीं उसे? कहां से रोकता उसे? हमारा भांडा फूट जाता सारा। Shut up! नीति दरवाजा मत खोलिए, गलती मत करना। अगर परी बच गई वो संजू को तेरे से छीन लेगी, बेटर है उसे अंदर ही रहने दे। Are you mad? दिमाग चल रहा है क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं परी के चक्कर में अपने संजू की जान नहीं ले सकती। नीति मेरी बात मान लो, ये गलती मत करो तुम। First of all, how dare you touch me? और तुम्हारा दिमाग सच में पागल हो गया? मुझे आपको एक सच बताना है। आपका बेटा कोई गायक वायक नहीं है। वो गाने की आड़ में स्मगलिंग करता है। धोखेबाज है, घोटाले करता है। और इतना ही नहीं, हर रोज उसका एक नई लड़की के साथ अफेयर चलता है। बस कर दो तुम, मुंह बंद रखो अपना। देखा मां, आपका भी हाथ उठ गया ना, क्योंकि मैंने बकवास की। भाभी की तो सिर्फ आवाज ऊंची हुई थी, क्योंकि मैंने अदित भैया के बारे में उल्टा सीधा बोला। आपका हाथ उठ गया। बेचारी भाभी उस गलती की माफी मांग रही है जो उन्होंने की ही नहीं। आप तो उनको जानती है ना, वो तो कभी एक पंछी को गुस्से में उड़ाती भी नहीं, बच्चों पे आवाज भी ऊंची नहीं करती, कभी कोई शिकायत भी नहीं करती। फिर अगर वो मुझ पे चिल्लाई है तो मेरी ही गलती होगी ना मां, सोच के देखिए। मां प्लीज इस गुस्से को थूक दीजिए, इसमें ना भाभी की गलती और ना ही लक्ष्मी की। मौसी जी आप नाराज होकर मत जाइए, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है। मौसी जी हो सके तो मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गायत्री बच्चे हैं, हो गई गलती, अब माफ भी कर दो। माफी मांग रही है ना मंगल, भूल चुक माफ कर दो, भूल जाओ सब। और वैसे भी बहुत दिनों बाद इस घर में अच्छा समय आया है, उसे आने दो। तुम तो जानती ही हो कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ इस घर में, भूल जाओ, जाने दो सब। ठीक है जी जी, सिर्फ आप कह रही हैं इसलिए छोड़ रही हूँ, पर आगे से ऐसा ना हो। जी मौसी जी ऐसा कभी नहीं होगा। ओ मेरी प्यारी माँ, भूल चुक माफ कर दीजिए ना। देखिए ये सब खत्म कीजिए और काम शुरू करते हैं। Hello sir. Welcome. Pleasure to have you here. How can I help you? Yeah. My wife needs to buy something from your store. Yeah, sure sir. She needs a new dress for a college event. Can you please help her with some good and latest collections, please? Wife? Yeah. Is that a problem? No, sir. Ma'am, please, Ayana,
मैं आपको अपनी स्टोर की कलेक्शन दिखाती हूँ। प्लीज। अरे अपने मारे को प्लीज बोला। आइए ना मैम, मुझे पता है आपको हमारे स्टोर के कपड़े जरूर पसंद आएंगे। हमारे पास कई अंतरराष्ट्रीय परिधान हैं। आपको तो इतनी अच्छी हिंदी आती है, फिर तब आप। अरे मैम, आपको वो ब्लू ड्रेस पसंद था ना, आइए आप ट्राई कर लीजिए। मुझे पता है आपको ये ड्रेस बहुत पसंद था, एंड आप एक बार इसे ट्राई क्यों नहीं करती। वैसे तो ये सैंपल पीस है, लेकिन आपको पिंक कलर चाहिए था ना, तो वो भी हम आपके लिए कस्टमाइज करवा देंगे और आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। ये डिजाइनर सैंपल पीस है, कस्टमाइज्ड ऑन डिमांड बनाया जाता है। दिस इज नॉट फॉर यू। क्यों? इनफैक्ट तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने तो कहा था ये हमारे लिए नहीं है। तुम्हारे ही लिए है बुलबुल। तुम्हें पसंद है ड्रेस? बहुत ज्यादा। जाओ, जाके ट्राई कर ले।